ईदगाह पर ईद की नमाज हुई साकुशल संपन्न। कोरोना काल के बाद पहली दफा इस तरह हुई है नमाज अदायगी। पुलिस और प्रशासन ईद की नमाज कराने के लिए पूरी तरह रहा मुस्तैद। डीएम श्रीमती श्रुति सिंह, एसएसपी जयप्रकाश सिंह, एडीएम जयप्रकाश, सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार, एसपी सिटी कपिल देव सिंह, सीओ अमित कुमार, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी विनय मणि त्रिपाठी समेत कईयों पुलिस अधिकारी नमाज अदायगी की व्यवस्था में जुटे रहे। जी हाँ, आपको बता दें, डीएम एसएसपी ने नमाज अदा करने आए छोटे छोटे बच्चों को टॉफी भी बांटी। नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन फुरकान अहमद ने ईद की नमाज के लिए जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से की गई माकूल व्यवस्था पर सभी अधिकारियों का आभार प्रकट भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट नहीं, देखिए, जहाँ जहाँ नमाज अदा होनी थी वहाँ हमारी फोर्स लगाई गई थी और ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखा गया है। हम लोग सतर्क हैं, हमारे सभी अधिकारी जो है क्षेत्र में हैं। तो हम लोग ईद का त्यौहार जो खुशी का त्यौहार है, उसके अलावा आज अक्षय तृतीया का भी त्यौहार है और परशुराम जयंती है, तो तीनों त्यौहार एक साथ तो पड़े हुए हैं। तीनों को सकुशल संपन्न कराने के लिए हमारी पूरी पुलिस बल जो है सतर्क है और ईद की नमाज आपके ईदगाह में जो है संपन्न हो चुकी है और जगह पर चल रही है। तो पूरा त्यौहार जो है पुलिस बल लगा करके हम लोग सकुशल संपन्न करा रहे हैं। सारी अभी आपने देखा नमाज ईद की सुबह सकुशल संपन्न हुई है और सभी पूरे ज़िले में इसी प्रकार से व्यवस्था रही है और सभी मस्जिदों में व्यवस्थित तरीके से नमाज़ पढ़ने की व्यवस्था की गई है नमाज कमेटी जो द्वारा, ईदगाह कमेटियों के द्वारा, और अभी सकुशल संपन्न हुई है।